सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड माई होम टाउन। एंड आज मैं हूँ अपने घर में गाँव के। एंड आज का ये एपिसोड होने वाला है त्रिजुगी नारायण उत्तराखंड का। सो बेसिकली मैं गाँव से अपनी फैमिली के साथ आज ट्रिप करने वाला हूँ। सोलो ट्रिप तो नहीं होने वाला है। तो फैमिली में मतलब मेरे भैया, भाभी, उनके बच्चे और गौतम रहेगा साथ में। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से हम निकलेंगे, 2 घंटे का रास्ता है। तो पहले हम मतलब यहाँ से जाएंगे मार्केट के एरिया में, वहाँ से फिर आगे केदारनाथ रूट पे हमें कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं। तो सब रेडी हो गए हैं, गौतम भी रेडी है, सब रेडी हैं। तो अभी कुछ मतलब भैया भाभी अंदर रेडी हो रहे हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं। तो तब तक जब तक सब रेडी हो रहे हैं, आप देखो आसपास के नज़ारे बहुत खास नहीं है क्योंकि सब जगह आग लगी हुई है जंगलों में, तो कुछ नहीं दिख रहा है, सब धुंधला आप देख सकते हैं। सामने पहाड़ और नीचे मार्केट भी काफ़ी धुंधला है क्योंकि आग लग रही है अब हर जगह। तो धुंधला इसी वजह से पूरी जगह, पहले यहाँ पे जो हिमालयन रेंज दिखती है वो भी नहीं दिख रही है क्योंकि मौसम बड़ा ही मतलब पोल्यूटेड है धुएँ की वजह से। तो ये चीज़ इस बार ही मैंने ज़्यादा नोटिस करी है इस वाले सीज़न में। अगर यहाँ पे आग इतनी नहीं लगती तो शायद मौसम थोड़ा साफ रहता, आपको लैंडस्केप्स थोड़ा सा प्रॉपर नज़र आते। तो फिलहाल सब तैयार हो गए हैं, ये भी तैयार हो गया, भाभी भी तैयार हो गई, भैया भी तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं यहाँ से। तो बस घर से थोड़ा सा पैदल ट्रैक करना होता है हमें क्योंकि हमारी मतलब जो गांव में है, हमारे गांव में मतलब घर तक रोड नहीं है। तो आधा किलोमीटर का हमारा ये डिस्टेंस रहता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो अभी मैं हूँ, आप नीचे का व्यू देख सकते हैं, ये चमेली गांव है और अभी हमें वहीं जाना है। तो देखो बाकी लोग आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। पहाड़ों में इसी तरीके से रास्ते होते हैं, थोड़ा पतले पत्ते छोटे छोटे रास्ते होते हैं। तो ये फिर भी सीधा रास्ता है तो थोड़ा सा इतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सीधा सीधा चलना पड़ता है, कोई ज़्यादा आफत नहीं है, चढ़ाई नहीं है। और जो लैंडस्केप यहाँ के आ रहे हैं आप देख सकते हैं, ये टेरेस फार्मिंग होती है इस टाइप से, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और सामने है चमेली गांव, तो वहीं हमारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, अभी वहीं तक रोड है, हो सकता है फ्यूचर में इस साइड भी आए। सो फाइनली पहुँच गए हैं रोड के आसपास। तो गाइस गाड़ी इधर लगी है। तो गाइस फाइनली हम कुंड में पहुंच गए हैं एंड यहां से केदारनाथ और उखीमठ के रास्ते मतलब डाइवर्ट होते हैं। इस साइड से उखीमठ जाएगा और ये जो पुल वाला रास्ता है ये गुप्तकाशी और केदारनाथ के लिए जाता है। तो इसी रास्ते पे त्रिजुगी नारायण का मंदिर पड़ता है। रोड्स वगैरह आप देख रहे होंगे कि कितनी डेंजरस रोड्स हैं यहाँ पे, अभी भी कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। एंड ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे साथ में एक डैम भी है छोटा सा, वो शायद मैं अभी दिखा पाऊंगा या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ।
अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप मेरी पुरानी वीडियो सर्च आउट कर सकते हैं, उनमें आपको ये केदारनाथ सीरीज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि डैम का कंस्ट्रक्शन साइट है, प्लस डैम भी इधर ही है, आगे जाके थोड़ा सा सही व्यू आएगा, तो चलते हैं। तो गाइज नीचे डैम है और इधर रोड्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, केदारनाथ हाईवे बहुत ही मतलब डेंजरस कंडीशन पे है, काफ़ी मतलब सक्रिय हो गई है रोड। तो पहाड़ों में जब आप आ रहे हो तो ध्यान रखना होगा ड्राइविंग करते हुए, अगर आप पहाड़ी ड्राइवर नहीं हैं तो आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, काफ़ी डेंजरस हो सकता है, बरसात के मौसम में बिल्कुल ना आए। तो गाइज यहाँ से लेके आगे तक जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, देखते हैं क्या कहाँ तक लगा हुआ है। अभी ये जो एरिया है जिसमें जाम लगा हुआ है ये है गुप्तकाशी, तो आई डोंट नो किस वजह से इतना ट्रैफिक है, देख के आते हैं थोड़ा सा। कोई आगे डंपर वगैरह फंसे हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे में दिक्कत तो है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं दिस इज़ गुप्तकाशी, आजकल थोड़ा ब्लरी है जैसे मैंने आपको बताया, इस वजह से ब्लरी है, सामने है उखी मठ, पर ऐसा मतलब जो धूप की वजह से भी ब्लर है और धुएं की वजह से भी ब्लर है, तो शायद इवनिंग में इसके शॉट्स थोड़ा सा अच्छे आ सकते हैं, व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है 20-25 मिनट तो लगेंगे अभी यहाँ पे। और गाइज हम पहुँच गए हैं गुप्तकाशी मार्केट के पास, और यहाँ से कुछ ही दूर अब और चलना बाकी है। तो ये है मेन गुप्तकाशी मार्केट केदारनाथ मार्ग पे। फाइनली पहुंच गए हैं त्रिजुगी नारायण, और ये यहाँ के नज़ारे, ये है मार्केट एरिया। तो अब यहाँ से आगे थोड़ा सा खाना, लंच टाइम हो रहा है, 2:30 बज गए हैं, और 2:30 बजे भी यहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई हो, या तो मौसम काफ़ी ठंडा है, टेम्परेचर बहुत ही लो है। तो बेसिकली लोग चाहे मतलब ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर सिर्फ शादी करने आते हैं, और आज के भी देखो मंदिर 50 मीटर आगे है और एक शादी ऑलरेडी हो रही है लोगों की यहाँ पे। सो गाइज फाइनली पहुँच गए हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर के मेन गेट पे, और यहाँ से अंदर एंट्री करते हुए कुछ इस तरीके से है, प्रसाद यहाँ पे मिल जाता है इजीली, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोग यहाँ पे बेसिकली अपनी मैरिज वगैरह करने यहाँ पे आते हैं। ले चुके हैं, ले ली भाई, चलो। तो कुछ इस तरीके से है दुकान, तो काफ़ी सुंदर एरिया है, सुंदर नज़ारे हैं, मंदिर भी बहुत बढ़िया है, सुंदर है, सामने है। अब फाइनली दर्शन हो गए त्रिजुगी नारायण मंदिर के। तो ये जो आपके सामने मंदिर दिख रहा है आपको, दिस इज़ त्रिजुगी नारायण मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है, आपको बता दूँ कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। इनसाइड हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते, यहाँ तक कर सकते हैं, सामने एक शादी ऑलरेडी हो भी रही है, लोग ऑलरेडी मतलब यहाँ पे शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दिन में काफ़ी सारी शादियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक शादी हो रही है, मंदिर और मंदिर के आसपास के नज़ारे आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। मंदिर के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि क्या मंदिर का इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। साथ साथ छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं वो अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ पे समर्पित होते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली द देवभूमि, यहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, इससे बड़ा मतलब शादी करने के लिए बेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लोगों ने सिक्के फेंके हुए हैं अंदर, कुछ ना कुछ मन्नत मांगते होंगे लोग, तो इस तरीके से ये मंदिर है।
सो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे शादियाँ वगैरह होती रहती हैं, तो अब भाई मैं बोल सकता हूँ कि लकीली आज भी बहुत शादियाँ हो रही हैं यहाँ पे। मैंने आपको बहुत सारी शादियाँ दिखाई, तो इस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है। आप यहाँ से इंडिया से, मतलब साउथ इंडिया से भी बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, हर स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं शादी करने के लिए। तो पूजा का शुल्क भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप आते हैं तो आपको क्या शुल्क लग सकता है, तो ये आप बोर्ड जूम करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर के अंदर है, यहाँ पे फेरे होते हैं, यहीं पे अग्निकुंड है, तो यहीं पे एक्चुअली फेरे किए जाते हैं, बट वीडियो शूट अलाउड नहीं होता है। तो गाइज, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और परिक्रमा भी हम कर चुके हैं, तो भैया वगैरह फ्री हो गए हैं, तो अब बारिश देख सकते हैं आप। अभी उतनी तेज नहीं हो रही, तो इसलिए पता नहीं चलेगा वीडियो में, लेकिन आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया है कि आपको प्रॉपर मंदिर को एक्सप्लोर करवाऊँ। आप देख सकते हैं शादी हो रही है, लोग फोटोशूट यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो एक अच्छा, मतलब एक माहौल बना है यहाँ पे। तो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, तो आसपास कुछ दुकानें हैं, खाना पीना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, होटल अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, एक आपको नॉर्मल रेट्स आप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप कभी भी आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, आपका 2 दिन का ट्रिप हो सकता है यहाँ पे। एक दिन आपको एक्सप्लोर करने के लिए इनफ रहेगा, एक से दो दिन आपको लेके चलने पड़ेंगे। अगर आप दिल्ली या मुंबई से आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय लेके आना पड़ेगा, 4 दिन मिनिमम लेके आने पड़ेंगे आपको। सो गाइस, फाइनली निकल गए हैं हम यहाँ से, एंड त्रिजगुरु नारायण मंदिर। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, और यहाँ के आसपास के नज़ारे आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे लैंडस्केप हैं आसपास, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिले। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए, तो आप देख सकते हैं रोड कंडीशन बहुत ख़राब भी है, बारिश आ जाए क्या पता, तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। गाइस, अभी मैं त्रिजुगी नारायण मंदिर के रास्ते पे वापसी मतलब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे खड़ा था, तो नीचे देखो आप सोनप्रयाग, तो ये मार्केट आपका जो दिख रहा है प्रॉपर सोनप्रयाग दिख रहा है आपको, बढ़िया व्यू है। गाइज, फाइनली घर पे पहुंच गए हैं, एंड होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और जिसने त्रिजुगी नारायण के ब्लॉग्स अभी तक नहीं देखे और जो एक्सप्लोर करना चाहता है, तो प्लीज़ जाओ, मस्ट विजिट प्लेस है, उत्तराखंड में लोकेटेड है, वो भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, एंड उत्तराखंड को एक्सप्लोर करना है तो आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द उत्तराखंड से रिलेटेड ब्लॉग्स और जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं वो डेफिनेटली मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि
मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो आपको मुझे जितने प्लेसेस पता होते हैं उतने आपको अदर ब्लॉगर्स नहीं दिखा पाएंगे, बट हाँ जब भी मेरे पास समय होता है मैं आपको न्यू डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपके लिए अगले व्लॉग्स तैयार हैं और एक बहुत ही अच्छी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक मैंने अभी एक्सप्लोर करी है, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना। बहुत ही मस्त प्लेस है आपका, मतलब आपका ज़रूर मन करेगा वहाँ पे जाने का। तो गाइस बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी वीडियो, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ़।